The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Covered about psoriasis. Psoriasis kya hai? First of all, psoriasis ek bahut common skin condition hai jisse ki jo skin cells hote hain unki jo life cycle hai wo usko nos lag jata hai, nitric oxide thar 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 wo speed mein daudne lagti hai, ghatak ghat, matlab 5 guna zyada, 10 guna zyada, life cycle matlab uski speed of growth. To agar kisi ek area ki skin ki speed of growth badh jayegi to kya hoga, wo ek ke upar ek ikatthi hoti jayegi, ikatthi hoke kya hogi, moti ho jayegi, sakat ho jayegi, hard ho jayegi, aur isi wajah se skin jo hai hard hoke, white hoke, scaly ho jati hai, scales ban jate hain psoriasis mein. To ye hota hai psoriasis, right? It is the basic thing jo aap किसी किसी की चमड़ी में सफेद सफेद के स्केल्स देखते हैं, किसी के रेड स्केल होते हैं, इनिशियली रेड होते हैं, फिर और ऊपर 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 आती जाएगी, ऊपर की लेयर डेड होती जाएगी, वो ज्यादा वो थोड़ा बहुत खुजली भी होगी वहां पे, बिकॉज़ ग्रोथ हो रही है, स्ट्रेचिंग हो रही है, सो इसलिए इचिंग होगी, लालपना होगा, व्हाइटिश पैच, सिल्वरी पैच आने लगेगा, दैट इज सोरियासिस. ये क्रोनिक कंडीशन है, ये दिनों में नहीं होती, ये लंबे समय में होती है, और ये क्रोनिक कंडीशन किसी को भी हो सकती है, जो हो सकता है बीच में आए बीच में ठीक हो जाए, बीच में आए बीच में ठीक हो जाए. और ट्रीटमेंट का भी गोल होता है कि जो स्किन सेल्स हैं उसकी ग्रोथ है उसको स्लो किया जाए ताकि वो इतनी तेज ना ग्रो हो. तो अगर आपको किसी को भी ऐसा कुछ होगा तो लाल से पैचेस आएंगे, फिर उसके बाद वो स्केल्स बनने शुरू हो जाएंगे, बच्चों में स्केल्स ज्यादा होते हैं, ड्राइनेस या स्किन क्रैक्ड हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, इचिंग बर्निंग सोरनेस हो सकता है, उसके अंदर स्टिफनेस हो सकती है, इवन ये सब चीजें नेल्स में हो सकती हैं, जॉइंट्स में हो सकती है सोरियासिस की वजह से. सो सोरियासिस इस तरीके की होती है. तो इसके जो स्पॉट्स हैं, ये जो स्पॉट्स आ जाते हैं, स्पॉट्स सर पे भी हो सकते हैं, डैंड्रफ के जैसे स्केलिंग हो सकती है, या पूरे बॉडी के अंदर कहीं भी हो सकते हैं. तो इसको टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टाइप्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ कब साइकल्स, यानी कब हो रहे, किसको हो रहे, राइट, कितने दिन के लिए हो रहे, राइट, तब कुछ टाइम के लिए ठीक हो रहे, रिमिशन हो रहे. तो कई सारे टाइप्स हैं इसके. पहला होता है प्लैक सोरियासिस. प्लैक मतलब सबसे कॉमन टाइप है. इसमें क्या होता है, बिल्कुल ड्राई रे, बड़े उभरे हुए स्किन पैच आते हैं लाल रंग के, ग्रोथ बहुत फास्ट है तो उभरे सभी रहेंगे, ये ड्राई रहेगा, लाल रंग के रहेगा, इसको प्लेक बोलते हैं, प्लैक बोलते हैं. इसके ऊपर फिर सिल्वरी स्केल आ सकता है, प्लैक बोल सकते हैं इसको, राइट, रेडिश के बाद प्लैक, तो प्लैक आएगा, रेडिश के बाद सिल्वर प्लैक. सो ये कहीं भी हो सकते हैं बॉडी में, और ये इवन आपके जेनिटल्स में हो सकते हैं, आपके सॉफ्ट टिश्यूज में, माउथ में हो सकते हैं, तो कहीं भी हो सकते हैं, राइट. उसके बाद नेल्स में भी होता है, नेल सोरियासिस होता है, तो फिंगर नेल या टो नेल दोनों जगह हो सकते हैं. और सोरियासिस जो है इसमें नेल्स में पिटिंग, यानी गड्ढे आ सकते हैं, नेल्स में ग्रूव्स आ सकती हैं, नेल्स में ग्रोथ या डिस्कलरेशन हो सकते हैं, और ये टूट के निकल भी सकते हैं, तो जिसको हम ऑनाइक्यूलाइसिस कहते हैं. सीवियर केसेस में नेल्स जो है क्रम्बल हो जाते हैं भाई साहब. उसके बाद थर्ड टाइप है गटेट सोरियोसिस. नाउ गटेट क्या होता है, ये यंग लोगों में, बच्चों में होता है, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन के वजह से, मान लो ऑटो इम्यून डिजीज है सोरियोसिस, तो ये दूसरी जगह पे एकदम ग्रोथ शुरू हो जाती है, छोटे 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 लेजन आने लगते हैं पेट में, हाथों में, पैरों में, स्काल्प में. सो ये गटेट एरियाज जिसको कहते हैं वो होते हैं, और ये अगेन ये भी फाइन और प्लैक जैसे ही होंगे, लेकिन ये ज़्यादातर बच्चों में होते हैं, तो गटेट सोरियोसिस है. उसके बाद देर इज समथिंग कॉल्ड इज इनवर्स सोरियोसिस. नाउ इनवर्स मतलब देर इज इफेक्टिंग द आर्मपिट्स, आपके आर्मपिट्स में अफेक्ट करेंगे, बगलों में, ग्रोइन में, राइट, ब्रेस्ट्स के नीचे एरिया पे, वहाँ पे अफेक्ट करेंगे, और जेनिटल्स के पास अफेक्ट करेंगे. इनवर्स सोरियोसिस जो होते हैं उसमें स्मूथ सा पैच आएगा, आपके रेड कलर का स्किन इन्फ्लेम हो सकती है, खुजली हो सकती है, और इस केस में फंगल इन्फेक्शन होता है जो ट्रिगर होता है. पहले हमने देखा था बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रिगर होता है आपके गटेट में, और इनवर्स में फंगल इन्फेक्शन साथ में ट्रिगर हो सकता है. फिर पुस्टुलर सोरियोसिस. पुस्टुलर सोरियोसिस क्या होता है, ये होता है
कि बॉडी के अंदर कहीं कहीं है और वहां पस आ गई है, पस बन गई। ऑब्वियसली इन्फेक्शन साथ में इन्वॉल्व है तो पस भी आ सकती है। पस आ जाए उसको पुस्टुलर बोलेंगे, और जब सिर्फ लाल लाल है, सिर्फ लाल है पूरी बॉडी पे तो उसको बोलेंगे एरिथ्रोडर्मिक। इसलिए एरिथ्रो मतलब लाल, एरिथ्रोडर्मिक यानी लाल रंग की सोरियोसिस, और वो खुजली भी हो सकती है, बर्निंग भी हो सकती है। और ये सोरियोसिस आपके पैरों में, घुटने में, जॉइंट्स में भी अफेक्ट कर सकती है, आर्थराइटिस कर सकती है। तो ये क्यों हो रहा है भैया, सोच रहे होगे सर ये क्या है, ये क्यों है? देखिए, अगर सोरियोसिस आपके इवन जॉइंट्स को अफेक्ट कर सकती है, स्किन को अफेक्ट कर सकती है, बॉडी में कहीं भी अफेक्ट, सर पे अफेक्ट कर सकती है, ऑब्वियसली ये ब्लड के थ्रू फैल रही, ऑब्वियसली ये कोई इन्फेक्शन है। गलत जी, नहीं, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये कोई छूत अछूत की बीमारी नहीं है, ये ब्लड के अंदर कोई कोई कीटाणु नहीं है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। आपकी बॉडी में कोई एक कीटाणु आ गया, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस, कोई वायरस, कोई चीज़ आ गई, उसका एक मॉलिक्यूल, उसके अंदर का एक प्रोटीन पार्ट का हिस्से को लेके आपके इम्यून सिस्टम ने एक ऑटो एंटीबॉडी बनाया, एंटीबॉडी किस लिए बनाया कि अगली बार अगर ऐसे ही कोई आएगा मान लो तो हम उसको जल्दी से मार देंगे, राइट? सो अब क्या हो जाता है, ये जो प्रोटीन लेके उन्होंने ऑटो एंटी बनाया, ये प्रोटीन आपकी बॉडी के कुछ पार्ट्स के हिस्सों से मैच करने लग गया है, क्योंकि मैच कर रहा है मान लीजिए। तो ये मैचिंग हिस्सा जितने हैं, गलती से आप ही के एंटीबॉडीज जो बनी है वो उन मैचिंग हिस्सों को अटैक करनी शुरू कर देते हैं, और उस मैचिंग हिस्से पे इन्फ्लामेशन होके ग्रोथ होने लग जाता है या इन्फ्लामेशन होने लग जाता है। ऐसा ही स्किन में होता है तो आपके सोरियोसिस, ऐसा ही घुटनों में होता है, जॉइंट में होता है तो जॉइंट में पेन, सूजन, आर्थराइटिस जैसी, टिपिकल आर्थराइटिस जैसी सिम्टम्स होने लगते हैं, घुटने चलने नहीं पाएंगे, दिक्कत होती जाएगी। सो ये सोरियाटिक आर्थराइटिस भी हो सकता है, इसलिए जिन लोगों को इसे सोरियोसिस, तो उनके घुटने भी खराब हो सकते हैं, हर एक को नहीं होंगे। तो अगर आपको भी लग रहा है कि आपको इस तरह की कोई भी सोरियोसिस है और इस सोरियोसिस के चलते आपका जीना बहुत मुश्किल हो रहा है, तब आपको क्या करना चाहिए, तब आपको वेरी सिंपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए। डॉक्टर क्या करेंगे, चेक करके सीधा बता देंगे आपकी प्रॉब्लम का कारण क्या है। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो कि भाई साहब क्यों हुआ सोरियोसिस, तो अगेन ये आपके इम्यून सिस्टम के वजह से एक ट्रिगर जमा चालू हुआ है, ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज के ऊपर हमने अलग से वीडियोस बनाए हैं कि व्हाट इज ऑटो इम्यून डिजीज, वो जाके देख सकते हो, समझ सकते हो। ज्यादातर ऑटो इम्यून डिजीज ऐसे ही काम करती है। सो आखिरी में सबसे बड़ा सवाल आता है कि सोरियोसिस ट्रिगर कौन करेगा, कौन किससे बचें? ऑटो इम्यून डिजीज है, खुद की इम्यूनिटी खत्म तो नहीं कर सकते, इम्यूनिटी खत्म करोगे तो मर जाओगे क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा, तो किससे बचें? सो ट्रिगर कौन करता है? सोरियोटिक ट्रिगर जो होते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आइडेंटिफाई और अवॉइड किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला आता है इन्फेक्शन, जैसे कि गले का, गला खराब होना या स्किन, चमड़ी का इन्फेक्शन। ये दो चीज़ें बहुत कॉमन है, बाकी रेयर इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, तो सारे इन्फेक्शन से बचो। नंबर दो, आपको अगर इंजरी हो जाए, चोट लग जाए आपके स्किन में, तो भी मान लो कोई कीड़े ने काटा, सनबर्न हो गई, बग बाइट हो गया, कोई कट हो गया, कोई स्क्रेप हो गया, तो भी वहाँ से ट्रिगर हो सकता है कि अब वहां इन्फ्लामेशन हो, ऑलरेडी इन्फ्लामेशन है जिसको सोरियोसिस की टेंडेंसी है, उनकी ज्यादा इन्फ्लामेशन, राइट? इवन स्ट्रेस कैन डू दैट, तो स्ट्रेस कम रखना बहुत जरूरी है सोरियोसिस। स्मोकिंग, अल्कोहल, नक्को बंद बिल्कुल नहीं, कतई भी नहीं। विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं रखनी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी भी बढ़ाएगा प्रॉब्लम, विटामिन डी B12 डेफिशिएंसी फॉर दैट मैटर ऑल्सो। देन सर्टन दवाइयाँ, कुछ दवाइयों से दूर रहना पड़ सकता है, जैसे कि लिथियम, हाई ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, जैसे बीटा ब्लॉकर, सारी नहीं, सिर्फ बीटा ब्लॉकर, एंटी मलेरियल दवाइयाँ, मलेरिया की दवाई, और आयोडाइड्स, इन सब दवाइयों से देखा गया है ट्रिगर के जैसा काम हो सकता है। हर एक में होगा, जरूरी नहीं है, हो सकता है। तो अगर ऑल्टरनेटिव है तो ऑल्टरनेटिव पे चले जाओ, खुद से नहीं जाना, डॉक्टर से बात करना है। तो और क्या, और किसको होगा, या मतलब ऐसा तो नहीं कि जो बीटा ब्लॉकर का सबको सोरियोसिस हो, नहीं, देर आर रिस्क फैक्टर्स, राइट? अगर स्मोकिंग करते हो, स्ट्रेस में हो, मोटे हो, ओबेस हो, राइट, फैमिली हिस्ट्री है सोरियोसिस की, या किसी भी है ऑटो इम्यून डिजीज की, तो होगा, सबको नहीं होगा, राइट? और हो गया तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है कि नहीं, ट्रीटमेंट क्या है, पहले कॉम्प्लिकेशन समझो फिर ट्रीटमेंट बताएंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, नहीं ठीक किया, नहीं कुछ किया, तो सोरियोसिस से आर्थराइटिस हो सकता है, सोरियोसिस आंखों को भी गड़बड़ कर सकती है, आपके सोरियोसिस आंखों के इन्फ्लामेशन कर सकती है, तो आंखों के हिस्सों में कंजंक्टिवाइटिस, ब्लेफराइटिस, यूवेआइटिस, बेसिकली आंख खराब हो सकती है।
मोटापा हो सकता है सोरियासिस में, जी हाँ, सीवियर डिजीज में मोटापा बढ़ता जाता है। डायबिटीज हो सकता है सोरियासिस की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट की बीमारियां हो सकती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बेसिकली ये सब हो सकता है। दिस इज वेरी वेरी कॉमन, राइट। जिनको सोरियासिस है उनके ये रिस्क बढ़ जाते हैं। देन कई सारे ऑटोइम्यून डिजीज दूसरे भी आ सकते हैं, दिमाग की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, इमोशनल प्रॉब्लम्स, ये सब ऑब्वियसली सोरियासिस जिसको है, स्किन जैसी दिख रही है तो उसको प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत आएगी ही आएगी, ये बात याद रखिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कैसे डायग्नोस करें, कैसे ट्रीट करें। भाई साहब देखो, डायग्नोसिस डॉक्टर करेगा, कौन करेगा? डर्मेटोलॉजिस्ट। देखने भर से पता चल जाता है, कुछ केसेस में स्किन बायोप्सी छोटा सा टुकड़ा लेके जांच करके पक्का कंफर्म कर सकते हैं, नो डाउट रख के, ठीक है। एंड देन द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इज वेरी सिंपल। ट्रीटमेंट में आपको बॉडी के ऊपर का इन्फ्लामेशन कम रखना है, दैट्स इट। बॉडी के ऊपर इन्फ्लामेशन कम रखना है और स्किन को क्लियर रखने की कोशिश करनी है। उसके लिए आपके पास में तीन तरीके हैं, 3-3-3। नंबर वन, टॉपिकल ट्रीटमेंट, कुछ दवाएं जो ऊपर से लगा सकते हैं। नंबर टू, लाइट थेरेपी, यस, फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी के बारे में बात करेंगे। देन नंबर थ्री, मेडिकेशन, सिस्टमिक मेडिक, खाने वाली दवाइयाँ, खाने वाली दवाई, लगाने वाली दवाई, लाइट थेरेपी, ओनली थ्री। लगाने के लिए क्या है? लगाने के लिए अकेले यूज कर सकते हैं कई बार, कुछ क्रीम्स ऑइंटमेंट जिसमें होते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में काम कर जाएगा। टॉपिकल स्टीरॉइड्स, टॉपिकल स्टीरॉइड्स होते हैं, माइल्ड स्टीरॉइड्स होते हैं, विटामिन डी एनालॉग्स होते हैं जो भी लगाए जा सकते हैं। एंथ्रालीन नाम की दवा है जो स्किन के ग्रोथ सेल्स के ग्रोथ को स्लो करती है, और टॉपिकल रेटिनॉइड्स भी आते हैं जो हेल्प करते हैं। देन देयर इज समथिंग लाइक कैल्सिनिलियम इनहिबिटर्स, और जैसे ट्रैक्रोलिमस, वो भी इन्फ्लामेशन रिड्यूस करते हैं। सैलिसिलिक एसिड, कोल टार और मॉइस्चराइजर्स, ये सारी चीज़ें आप लगाएंगे ऊपर तो आपके सोरियोसिस में आराम होगा। फिर देर इज लाइट थेरेपी, लाइट थेरेपी भी काम करती है, जैसे सनलाइट, फोटोथेरेपी, यूवी लाइट, नैरो बैंड यूवी बी फोटोथेरेपी, देन कुछ और तरीके की, अलग तरीके की अल्ट्रावायलेट ए लाइट है, कुछ और जैसे एक्सीमर लेजर थेरेपी है, वो सारी चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं। मैं नाम बता रहा हूँ, डिटेल में हम बात करना चाहोगे तो करेंगे, राइट। और दवाइयाँ जो खाते हैं वो है रेटिनॉइड्स, मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, और ये बेसिकली सारी दवाइयाँ हैं जो इम्यून सिस्टम को थोड़ा रिड्यूस, थोड़ा सा सप्रेस करते हैं, सीवियर केसेस में ही दिए जाते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स दिए जा सकते हैं, और फिर और सीरियस दवाइयाँ भी होती हैं, याद रखिए। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव तरीके जैसे एलोवेरा, फिश ऑयल्स, एर्गोन ग्रेप, ये सारी चीज़ें, जैसे बेरीज और ब्लूबेरीज, वो भी मदद करती हैं सोरियोसिस में। रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स एंड यस, यू कैन डायग्नोस, मैनेज सोरियोसिस विथ डाइट ऑल्सो एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑल्सो। अगर सही समय पर डायग्नोस करोगे तो डॉक्टर के पास ज़रूर तुरंत जाके डायग्नोस कराइए। अगर सोरियोसिस है, प्रिवेंशन के लिए स्टे हेल्दी।